बिहार पुलिस की कार्यशैली पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से ऊपर हो गई है। पुलिस द्वारा एक जज की पिटाई के मामले में बेंच ने डीजीपी, मधुबनी के एसपी और आईओ को कोर्ट में पेश होने को कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोषियों को लेकर हम फैसला करेंगे कि उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए या नहीं। दरअसल मामला साल 2021 का है। मधुबनी के झांझरपुर सिविल कोर्ट में घोगरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और दरोगा अभिमन्यु कुमार शर्मा ने चैम्बर में घुसकर एडीजे प्रथम के साथ जमकर मारपीट की थी। यही नहीं, थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्तल तक तान दी थी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह से जज को बचा लिया। पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। तभी कोर्ट को पता चला कि पुलिस ने एडीजे अविनाश कुमार पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में जिन पुलिसकर्मियों ने जज की पिटाई की थी उनके बयान दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि किस कानून के तहत जज के खिलाफ एफआईआर की गई है, तो इस पर वो जवाब नहीं दे पाए। बता दें, एडीजे अविनाश कुमार से मारपीट के बाद 18 नवंबर 2021 को उनके बयान के आधार पर घोगरडीहा के तत्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा धारा 341, 342, 307, 304 जैसी कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं मामले में जब 7 महीने बीत गए तो जून 2022 में झांझरपुर के एडीजे अविनाश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोपी घोगरडीहा के पूर्व थानेदार गोपाल कृष्ण के बयान पर झांझरपुर थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।